अपने डोगरे इक्कै मैसेज देना चाहना बीजेपी का हिसाब पता केह है भुखी शकीनियां ते बोझे गाजरां उंदा इहे हिसाब है बोली जा सकते करी कक नहीं सकते बाहर नहीं निकली सकते लत्तां कंबदियां डुगर देश जुबा रायपुर सभा पीसफुली प्रोटेस्ट करा रही थी ठीक है कोई रोड नहीं बंद किया एक साइड पर हुई है पीसफुली प्रोटेस्ट रात बैठे एक साइड पर बैठे धरना दिते दा एक साइड पर दिते दा फिर इहदे विच उन्हें अंदर करने वाला क्या भाइयों को जो अंदर किया गया है सांबा में ये जो कायराना कदम उठाया है सरकार ने इन लोगों ने इनको कहना चाहते हो जल्द से जल्द उनको रिहा करिए जिस बैठे हुए थे वो कल रात को यहाँ गिरफ्तार कर लिए गए सरो टोल प्लाजा पे उसी को लोना चुंगी के बाहर युवा राजपूत सभा के सतवीर सिंह मनास और अन्य युवा राजपूत सभा के मेंबर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्होंने रोड भी यहाँ ब्लॉक की थी और अपना रोष प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं मुझे बताइए क्या सारा मसला हुआ रात को आपको कोई फोन शोन आया क्या हुआ था देखिए जब हम रात को घर पहुंचे उसके बाद पता लगा कायराना तरीके से उनको अरेस्ट किया गया अरेस्ट क्यों किया हमने क्या किया पीसफुली साइड पे बैठे थे गाड़ियां जा रही थी इनको तकलीफ पता क्या हुई वो 30-25-30 लाख की दिहाड़ी टूट गई अच्छा 25-30 लाख की दिहाड़ी टूट गई इलीगल टोल लगा है वो पैसा कहाँ जाता है डीसी साहब आपसे कह रहा हूँ उसकी जांच होनी चाहिए वो पैसा कहाँ जाता है सबके नाम सामने आने चाहिए खून पसीने की कमाई जम्मू की जनता की लूटी जाती है और आप कहते हो कि हम बड़े साफ सुथरे हैं क्यों अरेस्ट किया उनको उनको बाहर किया जाए बाकी सुनिए बंतला में हुआ बरनाई में हुआ खोर प्लां वाला हर जगह होगा पलोड़ा में हुआ अब ये आग जो चिंगारी है ना ये आग पकड़ेगी और आग पकड़ेगी सारा कसूर किसका है आज की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का डोगरा जाग चुका है शुक्रिया जगाने के लिए डीसी सांबा जाग चुका है शुक्रिया जगाने के लिए डीसी सांबा है वो कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे का कुछ रूल्स होते हैं कि इसके मुताबिक यहाँ पे अगर नेशनल हाईवे आप अगर ब्लॉक करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है ब्लॉक किया उन्होंने जो है रात को साइड पर बैठे थे फिर क्यों पुलिस ने उन्हें पकड़ा डरती है पुलिस डर खौफ है जम्मू की जनता एक हो चुकी है अब जम्मू की जनता इनको बताएगी डोगरे क्या होते हैं हमने गिलगित बल्तिस्तान से चढ़ाई कर ली ये एलजी ऑफिस क्या है ये सितंबर टोल प्लाजा क्या है इस पे भी चढ़ाई करेंगे और इसको खत्म करेंगे और जम्मू की जनता की हर आवाज के लिए अब जम्मू की जनता खुद लड़ने को तैयार हो चुकी है 2022 में लोकसभा में कहा था कि 60 किलोमीटर के डायमीटर में अगर एक टोल है तो दूसरा टोल अगर लगता है तो दूसरा टोल इलीगल है उसके मुताबिक ये जो टोल है सरो टोल प्लाजा वाला ये इलीगल टोल है एक चीज और जो टोल होता है वो हम देते हैं रोड की मेंटेनेंस के लिए ना कि रोड को बनाने के लिए रोड हमें गवर्नमेंट बना के देती है लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए जो टोल है तो फिर क्यों ये टोल चल रहा है देखिए सबसे पहले डायमीटर आपने बता दिया टोल इलीगल है ये डायमीटर के हिसाब से बनता है ना आज है ना ये कल है इसको अब हम बंद करेंगे और जनता से कहेंगे दोबारा ये टोल खुलना नहीं चाहिए दैट्स योर रिस्पांसिबिलिटी ये टोल खुलना नहीं चाहिए ये टोल इलीगल है अगर हमारे भाइयों को बिक्की प्रधान विक्रम सिंह जी पूर्व प्रधान हैप्पी सिंह जी उनके साथ राजवीर सिंह जी और जितने भी हमारे भाई वहां पे अंदर हैं अगर उनको छोड़ा नहीं गया तो ये जो चिंगारी है ना ये आग का रूप पकड़ेगी सारा कसूर इनका होगा संभालना मुश्किल हो जाएगा हम कंट्रोल में है सिर्फ वेट एंड वॉच करें एलजी साहब डोगरे सतवीर जी आपके जो हैप्पी प्रधान है एक्स प्रधान और विक्रम जी हैं उन्होंने कहा कि हम खाना भी नहीं खाएंगे जब तक खाना पानी हम अन्न त्याग दें जब तक हमारा जो मांग पूरी नहीं होती इसके बारे में आप क्या कहेंगे अगर हम उनके दिल में जज्बा है तो हमारे दिल में आग है आग आग है या नहीं है हमारे दिल में आग है हमारी आग भटक चुकी है अभी शांति से है उनको छोड़ दिया जाए प्यार से कहना चाहते हैं कल को जम्मू में जो होगा दैट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट एलजी मनोज सिन्हा उनकी रिस्पांसिबिलिटी है ये डोगरों को पिंच कर रहे हैं ये यूपी नहीं है ये जाते हैं प्लां वाला साइड देखते हैं बड़े बड़े महल लोगों के जम्मू के डोगरों के हैरान हो जाते हैं और यूपी से जहाँ पे आए हैं वहां पे शहरों में भुखमरी है हमारे लोगों को खाता पीता देख के इनसे पता नहीं जा रहा ये रियलिटी है इसलिए हमारे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लूटने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू में तो बड़े अमीर लोग रहते हैं भाई रहते हैं तो अपने दम पे रहते हैं अपनी एकता से रहते हैं अपने प्यार से रहते हैं एलजी साहब को बाहर करने के लिए जम्मू की जनता एकजुट हो जाए एलजी साहब को बाहर करना ही पड़ेगा नहीं तो ये हमें तबाह कर देंगे जैसे युवा राजपूत सभा के राजपूत सभा ने टोल के खिलाफ प्रदर्शन किया उसके बाद सारी जो पार्टीज है बीजेपी इवन वो भी फॉर्म में आ गई और वो भी कहने लगी ये टोल इलीगल है काफी उनके नेताओं ने आई एम वेटिंग फॉर चंद्र प्रकाश गंगा जी यस्टरडे आई एम वेटिंग फॉर चंद्र प्रकाश गंगा जी कि कब वो आते हैं और ये टोल तोड़ते हैं लेकिन वो नहीं आए बाकी सिंपथी की अब आपकी जरूरत नहीं है सिंपथी जम्मू की जनता की हमें मिल रही है।
गुजरों की मिल रही है, हिंदुओं की मिल रही है, मुस्लिमों की, सिख ईसाई को सबकी मिल रही है। नेता जो आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप सारे उन्हें? रविंद्र राणा भी बोल रहे थे टूल बंद हो जाएगा अगर हमारा, तो कह रहे हैं चुकी है तरक्की होना, ये सारी गल्ला कर देना और कुछ नहीं कर सकते आने जिंदगी बिच कदे अच्छा काम किया नहीं है ना काम इतना होया। पहली गल अगर युवा रायपुर सभा पूरा डुगर देश युवा रायपुर सभा पीसफुली प्रोटेस्ट करा रही ठीक है, कोई रोड नहीं बंद किया, एक साइड पर हुई है पीसफुली प्रोटेस्ट, रात बैठे एक साइड पर बैठे धरना दिते दा एक साइड पर दिते दा, फिर ये उन्हें अंदर करने वाला क्या है? सारे डोगरे एक मैसेज देना चाहना, बीजेपी का हिसाब पता है भुखी शकीनिया के बोझे गाजरा, उनका इे हिसाब है, बोल नहीं जा सकते, करी कक नहीं सकते, बाहर नहीं निकली सकते, लत्ता कंब दी एमपी को डरदे, अपने को डरदे, एलजी को डरदे, अमित शाह को डरदे, ते जम्मू की जनता ने तुम्हें डराना तैयार हो। एलजी बोलते कि तीन तीन मंजिला चाड़िया सारे प्यो ने नौकरी की दी नौकरी करी है अपना मैंने भी कमाई की थी तो त्रै मंजिला चढ़ी दी, अगर एक फोन रखा कोई आईफोन यारह बिचो एक बंद आईफोन रखे बिने बिल आखते कि स्मार्ट मीटर लाना फिर उसी प्रीपेड करना ये भी गलत होगा सारा कुछ। एल जी अगर उत्तर प्रदेश तो उठी आया यूपी तो उठी आए हैं उन्हें क्या पता जम्मू का कुछ पता उन्हें कोई कुछ नहीं पता उन्हें जम्मू का, जम्मू के लोग कैसे कैसे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश का पता उन्हें गरीबी है, जम्मू के लोगों ने दिखिया उन्हें दुख परेशानी कि जम्मू लोग इन्ने खुशहाल कहली न यह खुशहाली बर्बाद करा देन। एल जी साहब इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें दोबारा चुकिया यूपी सुटना चाहिए। और अस एक और गल आखनी चाहते हैं जेडे भी सारे युवा रायपुर सभा के प्रधान पूर्व प्रधान कोई भी प्रधान जेडे भी अंदर किए वह बाल होने चाहिए, यह शर्मनाक की गल है सारे जम्मू वास्तव सारे डुगर सारे डोगरे जिन्हें भी है युवा रायपुर सभा जिन्हें मैंबर हैं जिन्हें बंदे हैं सारे कट्ठे होइए अज दिन जाना चाहिए और उन्हें बहाल करना चाहिए। तो ये थे युवा राजपूत सभा के जिन्होंने रोड ब्लॉक की थी, प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि जो युवा राजपूत सभा के प्रधान और एक्स प्रधान और कुछ अन्य नेता युवा राजपूत के जो कल रात को हिरासत में ले लिए गए, इनका ये कहना है जल्द से जल्द उन्हें छोड़ा जाए नहीं तो उग्र से उग्र प्रदर्शन देखने को आपको मिलेगा।